हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप? सब खैरियत से होंगे ऐसा मैं सोचता हूं। और आज मेरे पास एक ये सैमसंग का A20 मॉडल रिपेयर होने के लिए आया हुआ है। इसमें कॉम्बो का फॉल्ट है, यह मोबाइल गिरकर डैमेज हो गया है। तो आइए इसको हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मुझे इसमें से सिम ट्रे को जो है बाहर निकालना होगा, ठीक है? तो मैं उसे बाहर निकाल लेता हूँ एक पिन की मदद से, और मोबाइल को हम स्विच ऑफ कर देते हैं, ठीक है? तो इसके बाद अभी मैं सेपरेटर मशीन को ऑन कर लेता हूँ, और इसको मैं 80 डिग्री के आसपास में सेट होने देता हूँ पहले। इतना हीट होने के बाद मैं मोबाइल को इसके ऊपर रख दूँगा, ठीक है, ताकि यह प्रॉपर तरीके से गर्म हो सके। ये मेरा पहला ट्रिक है जो आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है? तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा फ़ायदा होगा। और 2 से 3 मिनट आप इसको यहाँ पर रहने दीजिए, ठीक है? जब तक मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, मेरे पास ये फैलकॉन 530 है, आप इसका यूज़ करेंगे, ठीक है? और 2 से 3 मिनट रखने के बाद अभी मैं इसको उठा लेता हूँ, और अभी आपको इसकी बाउंड्री पर, ठीक है, इसकी बाउंड्री पर आपको किनारे में ये लगाना पड़ेगा। सबसे पहले मैं इसको सेट कर लेता हूँ, और देखिए किनारे किनारे पर आपको ये डालना पड़ेगा। लेकिन ध्यान ये रखना पड़ेगा कि ये कैमरे पर ना जाए, नहीं तो कैमरे में प्रॉब्लम हो सकता है। और आप थोड़ी मात्रा में लिक्विड को किनारे किनारे, जो बाउंड्री है जहाँ से ये अंदर जाने का रास्ता होता है, इसका चिपका रहता है जहाँ से, वहाँ पर इसको हम डालेंगे, ताकि ये उस ग्लू को लूज़ कर देगा, ठीक है? क्योंकि हमारा मोबाइल ऑलरेडी हीट है, तो अभी जाने में उसे आसानी होगी। बहुत सारे लोग ग्लू को पहले डालते हैं इसको, लिक्विड को, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। मैं पहले गर्म करता हूँ, उसके बाद फिर, तो गर्म करने के बाद हम लोग सेपरेटर मशीन पे उसे फिर से रख देंगे। और इस बार मैं प्रेशर को ऑन करता हूँ, ये मेरा तीसरा ट्रिक है। देखिए, अभी टेम्परेचर जो है 105-6 के आसपास है, और मैंने एयर कंप्रेशर को ऑन कर दिया है, जिससे मोबाइल जो है उस पर प्रॉपर वे पे हीट उसके चारों तरफ में बराबर पड़े और अच्छे से मोबाइल हीट हो जाए। और इस कंडीशन में आपको 2 से 3 मिनट या 4 मिनट तक आपको लगातार कंप्रेसर के साथ में इसे वहाँ पर रख ही रहना है, ताकि मोबाइल के जो गम है वो पूरी तरीके से एकदम मेल्ट हो जाए, पिघल जाए, ठीक है? इसके बाद मैं कंप्रेसर ऑफ कर देता हूँ, और अभी मेरा मोबाइल काफ़ी हीट हो चुका है, ठीक है? देखिए, मेरा मोबाइल अभी हीट हो रहा है। मैं करीबन ये 4 मिनट हो चुके हैं मेरे, मैं अब कंप्रेसर ऑफ कर देता हूँ, ठीक है? और मोबाइल मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, कोई भी इस टाइप का कोई कार्ड अगर आपको पास में होगा तो वो आप कार्ड यूज़ कर सकते हैं। अभी आप जो देख रहे हैं कार्ड, वो मेरा ही है, LIC का मेरा कार्ड है ये। तो इसको आपको किनारे किनारे बाउंड्री पर इसी प्रकार चलाना है, ठीक है? आपको कार्ड को बहुत अंदर नहीं ले जाना है। देखिए, मैंने बस एक किनारे को साइड से पकड़ रखा हुआ है, ठीक है? एकदम थोड़ा सा आपको लेकर जाना है, 1 से 2 mm तक की। उससे ज़्यादा अगर आप ले जाओगे तो आपका फोल्डर या उसका जो पत्ता है या आपका जो डिस्प्ले है पैनल, वो ख़राब हो सकता है, ठीक है? तो आप कोशिश यही करें कि किनारे किनारे पर चलाएँ। देखिए, बड़ी ही आसानी से जो है मेरा पैनल वो वहाँ से अलग हो चुका है, ठीक है? तो ये जो है अपना तीसरा ट्रिक अपना ख़त्म हो चुका है, और ये हम लोगों ने उसको बड़ी ही आसानी से जो फोल्डर है वो अलग कर लिया। इसके बाद हम लोग एक बार मोबाइल को वापस लगाकर ऑन करते हैं। देखिए, ये मोबाइल मेरे पास जिस कंडीशन में आया था फोल्डर निकालने के बाद भी, अभी भी ये उसी कंडीशन पर है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, ठीक है? ये बिल्कुल ओके है। तो इस प्रकार हमारा जो कॉम्बो था वो बिल्कुल सही तरीके से हम लोगों ने वहाँ से निकाल लिया। अब आइए आगे का प्रोसीजर करते हैं। देखिए, इसका टच अभी भी बढ़िया से काम कर रहा है, ठीक है? तो अब हम लोग इसको वापस शट डाउन कर देते हैं, मोबाइल को स्विच ऑफ करेंगे, ठीक है? मोबाइल स्विच ऑफ करने के बाद अब, क्योंकि हमको बैक तरफ से इसका जो कनेक्टर है वो निकालना पड़ेगा, तो देखिए अभी हमारे पास में देखिए कनेक्टर पीछे है, तो इसके जो पीछे का जो फ्रेम है वो हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है? तो आइए अब पीछे के फ्रेम को निकालने का देखते हैं प्रोसीजर। बिल्कुल वैसा ही हमको करना है जो हम लोगों ने पहले किया था, ठीक है? तो हम लोग एक कार्ड की मदद से, देखिए मैंने फैलकॉन का फिर से उपयोग किया है, और धीरे धीरे मैं इसे चलाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है? आपको कोई भी हार्ड नुकीली चीज़ नहीं यूज़ करनी है, क्योंकि वो अंदर आपको कुछ डैमेज कर सकता है, इसलिए आपको कोई भी इस टाइप का कोई कार्ड का ही उपयोग करना है, ठीक है?
या जो मोटर वेंडिंग करते हैं उनके पास में भी एक फिल्म होती है, आप उसका यूज़ कर सकते हो। एक्सरे फिल्म का भी आप यूज़ कर सकते हो इस जगह पर। और अगर ज़्यादा ही आपको लगे कि इस जगह पर आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप फेलकॉन का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा थोड़ा मात्रा में आपको डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, और उसके पास फिर धीरे धीरे उसको आप आगे करका सकते हैं, ठीक है। और आप देखेंगे कि बड़ी ही आसानी से ये जो है फोल्डर से ये जो पीछे का बैक कवर है वो निकल जाएगा, क्योंकि बैक कवर के साथ में इसका टच का पैड भी लगा रहता है, तो उसके कनेक्टर को भी आप ध्यान से निकालेंगे, ठीक है, ताकि आप एकदम से झटके से उसे ना खींचें, बड़ी ही आहिस्ते से उसे आप अलग कर लें, ठीक है, कोई भी एक ओपनर की मदद से, क्योंकि आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी, नहीं तो ये जो पत्ता है ये टूट सकता है। इसके बाद अब आगे बारी है इसके पूरे स्क्रूज को ओपन करने की, ठीक है, ताकि हम लोग जो मेन कनेक्टर है डिस्प्ले का वहाँ तक पहुँच सके। तो आइए मैं स्पीड थोड़ा इसी बढ़ा देता हूँ इसकी, और मैं सारे स्क्रूज को यहाँ से ओपन कर लूँगा, ठीक है। सारे स्क्रूज ओपन करने के बाद अब हम लोग इसको अलग कर लेते हैं। देखिए, आप नखून या कोई ओपनर की मदद यहाँ पर ले सकते हैं, और धीरे धीरे इसमें आप किनारे किनारे चलाएंगे तो ये जो है बाहर आ जाएगा। आप देख सकते हो ये हमारा जो बैक का इसकी जो बोन थी वो अलग हो चुकी है, ठीक है। ये अलग होने के बाद देखिए ये जो कनेक्टर वाला पार्ट है, ठीक है, इसको भी हम एक ओपनर की मदद से हटा लेंगे वहाँ से। देखिए ये अलग हो चुका है, ठीक है। ये अलग होने के बाद देखिए हमारा जो जो डिस्प्ले पैनल है वो बिल्कुल अलग हो चुका है। अब ये इसकी बोन है, मेन फ्रेम है जिस पर ये हमारा लगता है। इसकी सफाई करना ये चौथा पॉइंट है, सबसे इम्पोर्टेंट। इसकी बहुत ही प्रॉपर तरीके से आपको सफाई करनी है, क्योंकि कंपनी जो गम लगाया रहता है वो बहुत ही हार्ड गम होता है, ठीक है, तो वो सूखने के बाद बहुत ही ज़्यादा गोंद जैसा हार्ड हो जाता है, तो उसको अलग करना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि इसको मेरे पास से पहले भी एक बार किसी ने लगाया था, इस पर कॉम्बो चेंज हो चुका था, लेकिन उन्होंने इसको अच्छे तरीके से साफ़ नहीं किया था, देखिए। लेकिन हमको इसको प्रॉपर तरीके से आप कोई भी ब्लेड की मदद ले सकते हैं, या कोई भी आपके पास छोटा एलाइनर स्क्राइबर हो उसकी मदद से आप इसे पूरी तरीके से घिस कर आपको साफ़ करना है, ठीक है। अगर आप ये प्रॉपर तरीके से साफ़ करते हैं, यही मेरा चौथा पॉइंट है, आपको ये सफाई करने में बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है, आप बिल्कुल प्रॉपर वे में इसकी सफाई करिए। जहाँ जहाँ भी हार्ड ग्लू लगा हुआ है उसको आप एलाइनर या जैसे मैंने ब्लेड का उपयोग किया है वैसे ही आप उसे अच्छी तरीके से घिस कर उपयोग करें। इस जगह पे अगर आप फेलकॉन का यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वो भी आपके लिए ये थोड़ी मदद करेगा, लेकिन मैं डायरेक्ट ब्लेड का ही यूज़ करके मैं पूरी बॉडी से उसको अलग कर रहा हूँ। क्योंकि ये जो हार्ड गम है अगर आप इसे नहीं निकालेंगे और इसके ऊपर आप कॉम्बो बैठाते हैं, तो जिस समय आप कॉम्बो को प्रेस करेंगे तो हो सकता है आपका जो पैनल है या टच है वो डैमेज होने की पूरी संभावना होती है, इसलिए ये सूखे हुए गम को अलग करना बेहद ज़रूरी है, ठीक है। तो यही मेरा चौथा पॉइंट था। इसके बाद हम लोग ब्रश की मदद से अच्छे तरीके से जो गम के टुकड़े हमने निकाले हैं, जो वहाँ से साफ हटाए हैं, उसे हम लोग अच्छे तरीके से क्लीन कर लेंगे, ठीक है। क्लीन करने के बाद अगर हमको किसी जगह पर और गम के टुकड़े दिखेंगे तो उसको भी हम लोग फिर से एक बार रिपीट। आपको इस जगह पर बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से आप धैर्यपूर्वक पूरे गम को वहाँ से क्लीन कीजिए, ताकि आपका जो फ्रेम है, जिस जगह पर फ्रेम बैठता है, आपका फोल्डर बैठता है, वो जगह बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, आप बिल्कुल अच्छी तरीके से उसको क्लीन कीजिए। हो सके फेलकॉन का यूज़ करना है आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। तो देखिए मैंने इसको अब अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया है ना। अब मेरा जो पीसीबी है लगभग लगभग बिल्कुल साफ़ है, लेकिन फिर भी किसी किसी जगह पर मुझे जो अगर नज़र आ रहा है तो मैं उसे भी हटाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कस्टमर को बाद में फोल्डर लगाने पर दिक्कत हो, क्योंकि परेशानी कस्टमर को भी होगी और आपको भी होगी, क्योंकि फोल्डर काफ़ी महंगे होते हैं, इसलिए बेहतर है आप कोई भी गलती ना करें। आपको मैं जूम करके दिखाने का प्रयास करता हूँ। देखिए मैंने बिल्कुल हर कॉर्नर को बहुत ही अच्छे तरीके से साफ़ किया हुआ है, देखिए
कहीं पर भी कोई यहाँ पर मुझे थोड़ा सा नज़र आ रहा है उसे भी मैं साफ़ कर लूँगा। देखिए यहाँ पर आप जो फ्रेम की पट्टी देख रहे हैं वो बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, ठीक है। ये किनारे मैं आपको चारों तरफ से दिखा रहा हूँ, देखिए ये बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद अब क्लीन होने के बाद अब मुझे नए फोल्डर की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो मैं परचेस के लिए जा रहा हूँ। ये मैंने नया परचेस कर लिया है, आप देख सकते हो कॉम्बो को। और आप मार्केट से जब भी लाएं तो उसे चेक करके लाएं। ये जो स्ट्रिप आप देख रहे हैं ये डबल टेप है, आप इसको यहाँ से हल्के हाथों से निकाल लीजिए। देखिए टेप पर झटका ना पड़े नहीं तो डैमेज हो सकता है, ठीक है। हल्के हाथों से उसे आपको निकाल लेना है, और ये निकालने के बाद आप उसको यहाँ पर, देखिए डबल टेप है ये, इसको यहाँ पर चिपका देना है, हल्के हाथों से प्रेस करना है, ठीक है। ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, ठीक है। इसके बाद कैमरे वाली जगह को आपको फाइनली एक बार साफ़ कर देना है, जो हमारा फ्रंट कैमरा है, ठीक है, क्योंकि दोबारा आपको वो जगह पर मौका नहीं मिलेगा। और चिपकाने के लिए देखिए मैं ये जो गम है T7000, इसका मैं उपयोग करता हूँ और काफ़ी सालों से कर रहा हूँ, ये काफ़ी अच्छा गम है, ठीक है। और इसके बाद आप उसको कम मात्रा में किनारे किनारे पर लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं, और ये टेप वाली जगह पर तो बिल्कुल नहीं लगाना है, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। बस किनारे किनारे आपको लगाना है, देखिए मैं कैसे लगा रहा हूँ उसको, ये देखिए इसको उठा लीजिए यहाँ से, और एक पट में से थोड़ा सा साफ़ कर लेता हूँ, थोड़ा सा गम ज़्यादा आ गया था वहाँ सामने में, इसलिए उसे थोड़ा सा क्लीन करना जरूरी है, नहीं तो एक ही जगह पर ज़्यादा गम लग जाएगा, ठीक है। तो मैं उसे क्लीन कर लेता हूँ, चलिए ठीक है। अब हम लोग इसे लगाना फिर से एक बार शुरुआत करते हैं। देखिए इसकी जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा आपको नहीं लगानी है, स्पीकर वाली जगह को आप छोड़ देंगे, ठीक है, जहाँ पर कैमरा लगा है देखिए उसके ऊपर अपना ये स्पीकर है। और हल्के हाथों से आपको ऐसे एक हल्की सी लाइन बस बनानी है, ठीक है, जो कि इक्वल मात्रा में हो, इस बात का आप ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा आपको फैलाते हुए नहीं करना है। अब बस हल्के हाथों से इसे प्रेस करिए और ये निकलता जाएगा कम। और ईयर स्पीकर देखिए यहाँ पे आपको छोड़ देना है, ठीक है, कैमरे के ऊपर। और बाकी इस साइड भी आपको सेम जैसे उधर आपने लगाया वैसे ही आपको लगाते हुए चले जाना है। इक्वल कंडीशन पे आपको अपने अंगूठे से प्रेस करना है, ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कहीं पर कम कहीं ज़्यादा नहीं लगाना है, ठीक है। देखिए मैं जैसे लगा रहा हूँ वैसे ही आप लगाइए, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और इसकी जो क्वांटिटी है वो कम ही आपको लगानी है, कम की देखिए बस इसके किनारे पर आपको लगाना है, ठीक है। इसके बाद इसको आप कैप लगा के रख दीजिए, क्योंकि ये बहुत जल्दी सूख जाता है एयर जाने से, ठीक है। देखिए ये हमारा जो फ्रेम है मैंने सभी किनारे पर अच्छे तरीके से लगा दिया, और ये कैमरे वाली जगह को मैंने छोड़ दिया क्योंकि वहाँ पर एयर स्पीकर था। अब इसके बाद आपका ये जो फोल्डर है देखिए इसको मैं थोड़ा उठा लेता हूँ, क्योंकि इसको उस होल के अंदर से डालना पड़ेगा मुझे, क्योंकि वही बैक साइड से कनेक्ट होगा। तो देखिए मैं इसे यहाँ पर बैठा देता हूँ, प्रॉपर बैठाते समय आप एक ही बार में उसे ध्यानपूर्वक बैठाइए, फ्रेम से अलग ना हो, डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। तो देखिए मैं इसे बिल्कुल सीक्वेंस में यहाँ से बैठा दिया हूँ, और हल्के हाथों से उसे प्रेस करना है, ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, ठीक है। देखिए मैं धीरे धीरे उसे प्रेस कर रहा हूँ, देखिए मेरा फ्रेम वहाँ पर अभी लग चुका है। और ये जो इसका कनेक्टर है हम लोग इसको भी सेट कर लेते हैं। कनेक्टर को सेट करने के बाद देखिए यहाँ पर इसे बैठा देना है, वहाँ पर भी दो पॉइंट होते हैं, उस पर इसको मैंने लगा दिया। और ये जो डिस्प्ले का जो मदरबोर्ड से कनेक्टर वायर आ रहा है, ठीक है, इसको भी मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, आप देख सकते हो, ठीक है। ये लगाने के बाद अभी हम लोगों को क्या करना है, ये जो रबड़ है, रबड़ बैंड जो मिलते हैं मार्केट पर, ठीक है, उनका उपयोग करना है, और इसे एक के बाद एक यहाँ पर लगाते जाना है, ताकि ये अपनी जगह से ना हिले और अच्छी मजबूती के साथ में ये उस जगह को पकड़ ले, ठीक है। यही हमारा पांचवा ट्रिक है, देखिए इसको रबड़ को आपको लगाकर वहाँ पर छोड़ना है कम से कम 20 मिनट के लिए, ठीक है, ताकि वो अच्छी तरीके से अपनी जगह पर सेट हो जाए और इधर उधर ना हिले। तो इसके लिए आप रबर बैंड का उपयोग कर सकते हैं, देखिए मैं ऐसा लगाते जा रहा हूँ, ठीक है, और एक एक करके आपको लगाने हैं। मैं हमेशा ज़्यादातर जो है एक लाइन पे चार का उपयोग करता हूँ, चार रबर बैंड, वो भी डबल फोल्ड करके, ताकि अच्छी टाइट पकड़ के साथ में उससे की पर फ्रेम हो जाए सेट। ये आप देख सकते हो ये मैंने लगा दिया है, ठीक। इसके बाद मैं ये हॉरिजॉन्टली लगाया है, इसके बाद मैं वर्टिकली भी इसमें लगाने वाला हूँ, देखिए
यहाँ से यहाँ। इस बार मैं इसको डबल नहीं करूँगा, सिंगल करूँगा, क्योंकि ज़्यादा टेंशन होगा तो हो सकता है रबर टूट जाए या हमारा डिस्प्ले को नुकसान हो, तो मैं सिंगल सिंगल ही लगाऊँगा। और यहाँ पर भी मैं चार लगाने वाला हूँ, देखिए ये मेरा तीसरा और ये चौथा। मैं वीडियो को स्पीड इसलिए बना रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने और आपको पूरी बात अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, क्योंकि मैं चाहता हूँ आसान से आसान तरीके से आप लोगों को समझाना, ठीक है। तो फ्रेंड इस प्रकार से देखिए ये लगा दिया है मैंने, इसके फिर बॉडी भी पीछे से फिट कर दी है। आइए इसके सारे स्क्रूज हम लोग टाइट कर लेते हैं। बहुत सारे टेक्नीशियन भाई लोग सारे स्क्रूज नहीं लगाते, लेकिन मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जितने भी स्क्रू आप निकालते हो उसे एक जगह पर रखें और सारे के सारे स्क्रू और उसके सही जगह पर लगाएं, ठीक है। क्योंकि ये बहुत सारे स्क्रू छोटे और बड़े होते हैं, तो जहाँ से आपने जो निकाला है वहाँ पर उसे ज़रूर लगाएं, उसे खाली ना छोड़े। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे मार्केट में टेक्नीशियन होते हैं जो बस चार कोने के लगा दिए और इसके बाद हटा देते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। मैं प्रॉपर तरीके से उनके सारे स्क्रू संभाल के भी रखता हूँ और जहाँ से मैंने निकाले हैं उस जगह पे पूरे के पूरे स्क्रू लगाता हूँ। जैसा आप देख सकते हैं सारे के सारे स्क्रू मैं लगाता हूँ, मुझे ऐसा ही कंपनी जैसा काम करना पसंद आता है, ठीक है। और उसके बाद एक बार मैं सामने का जो अभी जो कैमरा है देखिए, मैं इसकी भी फाइनली सफाई कर देता हूँ, क्योंकि कस्टमर से हम अगर कीमत लेते हैं तो सर्विसिंग मेंटेनेंस का, तो आप उसे प्रॉपर तरीके से काम करके दीजिए जिससे कस्टमर काफ़ी खुश होते हैं, ठीक है। हो सकता है उसमें डस्ट रहता है या कुछ है और आप उसे क्लीन कर देंगे उन्हें बिना बताए, तो वो जब चेक करते हैं तो वो कहते हैं कि अरे हाँ पहले बहुत धुंधला था और वो काफ़ी अभी अच्छा चल रहा है करके, तो आपको आपके काम के लिए बहुत अच्छी है, ठीक है। अब इसके बाद हमने जो निकाला था टच सेंसर उसके भी कनेक्ट कर देंगे यहाँ पर। और देखिए ये मेरा जो मोबाइल है अब ये रेडी हो चुका है, तो आइए इसके ऊपर अब चेक कर लेंगे हम लोग। तो सबसे पहले मैं इसका जो सिम कार्ड निकाला था वो मैं उससे भी वापस लगा देता हूँ। देखिए देखिए हमारा मोबाइल जो है ऑन हो चुका है। मैं इसमें थोड़ा सा पासवर्ड डालकर चेक कर लूँगा, थोड़ा सा टाइम लेगा मोबाइल। देखिए मोबाइल को चेक कर लेते हैं, ठीक है, कि सारे चीज़ जो है सही से टच हमारा काम कर रहा है कि नहीं। देखिए हमारा टच डिस्प्लोड किया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप टच को मार्केट से लेते समय भी चेक करें और फाइनल सेट करने के बाद भी आप चेक करें। और देखिए मैंने इसके बाद में एक 11D ग्लास भी लेकर आया था, कस्टमर को मैं पूरा सेट करके देता हूँ कंप्लीट, क्योंकि प्रोटेक्शन ज़रूरी है, इसलिए मैंने साथ में 11D ग्लास भी लाया था। और आप देख सकते हैं मैंने उसे बिल्कुल सटीक तरीके से लगाया है और वो भी एक ही बार में। आप देख सकते हो कोई भी बबल्स नहीं है। अगर आप जानना चाहते हो कि ये मैंने कैसे लगाया है और इसकी क्या ट्रिक्स होती है, तो आप मुझे कमेंट्स ज़रूर करना, मैं आपको इसकी भी एक वीडियो बनाकर दिखा दूँगा, ठीक है। और दोस्तों ये अगर वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करना।